गाइस, इंडियन टॉक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो ताकि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको हिंदी में रोज मिल जाए। सो हे गाइस, सुजुकी ने अपनी 2019 XL6 इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है। प्राइस रिवील कर दी है। प्राइस तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे पता चली गई होगी। जब लॉन्च इवेंट चल रहा था तो सभी अपडेट्स आप लोगों ने वहां पर देखी होगी। स्टार्ट करते हैं, इस गाड़ी को देख लेते हैं एक बार, पूरा ओवरव्यू जो है गाड़ी का ले लेते हैं, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, XL6 नॉर्मल जो अर्टिगा है उससे कितनी अलग है जान लेते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कलर्स की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कलर मिलता है नेक्सा ब्लू, और फिर मिलता है ब्रेव खाकी, रेड, ग्रे, सिल्वर एंड वाइट। तो ये सभी कलर्स आपको 6 कलर ऑप्शंस में मिलती है नेक्सा XL6। चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। तो यहाँ पर आपको फ्रंट क्रोम ग्रिल नहीं मिलती है, और साथ ही क्वाड LED हेडलैम्प विथ TRLs जो है दिए गए हैं, स्कीट प्लेट्स आपको मिल जाती है, फॉग लैम्प असेंबली चेंज है। साथ ही साइड लुक में आपको व्हील आर्चेस मिल जाते हैं ब्लैक कलर के अंदर, आपको जो है ड्यूल टोन के ब्लैक कलर में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, LED लाइट्स मिलती है टेल लैम्प गाइड्स के साथ में। ये है गाड़ी का एक्सटीरियर। चलते हैं गाड़ी की टेक्नोलॉजी जान लेते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी आपको ऑफर की गई है। तो यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, ब्रेकिंग एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम, टॉक असिस्ट फंक्शन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, मैं सभी मेन हाईलाइट्स ही आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको XL6 में मिलेगी। नॉर्मल सभी फीचर्स जो है बताने से मतलब नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक AC, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, बॉडी क्लेडिंग, क्रूज कंट्रोल, LED फॉग लैम्प, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो ORVM, रूफ रेल्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ TFT, MID, साथ ही वन टच रिक्लाइन सीट्स, और बूट स्पेस आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, और साथ ही सभी सीट्स को आप 60-40 रेशो में फोल्ड कर सकते हैं जिससे कि गाड़ी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो जाता है। इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको वही K15 पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि BS6 कंप्लाइंट इंजन है। इसके अंदर आपको मैनुअल वर्जन में 19.1 KMPL का माइलेज क्लेम किया गया है, और ऑटोमेटिक में 17.99 KMPL का माइलेज क्लेम किया गया है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये 1462 cc का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वेल्व पर सिलेंडर DOHC इंजन है जो कि K15 स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। 103 BHP की पावर, 6000 RPM पे, 138 Nm का टॉर्क, 4400 RPM पे, और फ्रंट व्हील ड्रिवन गाड़ी है, 5 स्पीड के मैनुअल गेयरबॉक्स लेस है, साथ ही ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, उसके अंदर भी आपको 5 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिए गए हैं। डायमेंशंस की बात की जाए तो लेंथ 4445 mm की है, विड्थ 1775 mm की, हाइट 1700 mm की, व्हील बेस 2740 mm का, कर्व वेट 1180 mm का है। गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस जब तीनों सीट्स ऊपर होती है तो 209 लीटर्स का मिलता है, और इसके अंदर आप 820 प्लस लीटर का बूट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। गाड़ी 185/65R15 टायर्स पे चलती है। पावर असिस्टेड जो है स्टीयरिंग मिलती है आपको हाइड्रोलिक टाइप, 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस दिया हुआ है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक, MacPherson स्ट्रट एंड कॉल स्प्रिंग, फ्रंट में टोरसन बीम एंड कॉल स्प्रिंग, रियर में आपको सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलता है। तो ये है कंप्लीट मारुति सुजुकी XL6। कैसी लगी आपको गाड़ी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस है वो है बेस वेरिएंट की 11,04,000 rupees, 11,77,000 rupees, 12,37,000 rupees, और टॉप मॉडल की 13,00,000 rupees एक्स शोरूम दिल्ली, जो कि अराउंड 50,000 से 55,000 rupees ज़्यादा है नॉर्मल अर्टिगा से ऑन रोड प्राइसिंग की। ये ऑन रोड प्राइस हर स्टेट में वेरी कर सकती है, तो प्लीज़ मेक श्योर प्राइसिंग के ऊपर आप इतना कॉन्सेंट्रेट ना करें, आपको रफ आइडिया हो जाएगा कहीं 20-25,000 कम, कहीं 20-25,000 रुपये ज़्यादा। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट टाइम हमसे मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करो। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाफ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।